रेलवे स्टेशन छावनी चौकी प्रभारी सोनू कुमार रजोरा मथुरा छावनी द्वारा रेलवे स्टेशन मथुरा छावनी पर ट्रेनों में प्रतिदिन आने जाने वाले यात्री व कॉलेज व कोचिंग आदि में पढ़ रहे छात्रों को रेलवे स्टेशन मथुरा छावनी पर एक साथ एक स्थान पर बुलाकर यात्रा के दौरान आसपास में झगड़ा करना या ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने के बावजूद भी ट्रेन में न चढ़ना और प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना और ट्रेन चलने के बाद में चलती ट्रेन पर चढ़ना उतरना तथा गाड़ी पर खड़े होकर यात्रा करना, जिससे अन्य यात्रियों को भी उतरने चढ़ने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके संबंध में समझाया और आगे से ऐसा न करने के लिए अनुरोध किया गया, जिससे निश्चित ही ट्रेनों में होने वाले आपसी झगड़े व इनसे होने वाली अन्य यात्रियों को परेशानी आदि में कमियां आएंगी व यात्रियों तथा पुलिस के बीच में अच्छा संबंध बना रहेगा। क्योंकि कुछ कंप्लेंट मेरे पास लगातार आ रही है, ऐसी झगड़े वाली बात होती है, आज हमें भी पछताना होता है। तो खैर नहीं लड़े, मगर जो लोग लड़ते थे, हो सकता है कि उनसे ऊंची पोस्ट पे बैठे हों और हम उनसे जब बात करना चाहते हैं ना, आपने छोटे स्कूल छोड़कर आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो देख रहे होंगे हम उनसे झगड़े। अब हम उनसे बात करना चाहते हैं तो किस मुँह से बात करें, क्योंकि हम उनसे झगड़ चुके हैं पहले। कभी कभी ऐसा होता है कि वो हमारे उच्च पद पर बैठा हुआ है, हमें उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, मगर उसकी शिकल देगी जैसे फिल्मों में दिखाते हैं तो हम वहाँ कुछ नहीं कह पाते। तो ऐसा माहौल हम पैदा क्यों करें? कौन सी हमारी जमीन बढ़ रही है, कौन सा हमारी जायदाद बढ़ रही है? आए दिन आपने देखा होगा कि ट्रेन आने के बावजूद भी जो पर डे छात्र आते हैं या यात्री हैं प्लेटफार्म पर खड़े रहेंगे और जब गाड़ी चलने लगेगी, जब भगदड़ में चलते हैं, जिससे कई बार बड़े हादसे होने से बचे हैं, उन हादसों को रोकने के लिए या गाड़ी में आपस में जो स्टूडेंट है ये झगड़ा करते हैं जिससे अन्य यात्रियों को परेशानी होती है या खिड़की पर खड़े होकर यात्रा करते हैं, तो उससे भी अन्य यात्रियों को उतरने चढ़ने में वाली काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी उद्देश्य को लेकर मैंने आज जो पर डे हमारे यात्री हैं, जो पर डे अपना यात्रा करते हैं और जो बच्चे स्टूडेंट हैं जो कोचिंग करने आते हैं या कहीं कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, उन सबको इकट्ठा करके मैंने एक संदेश दिया, उन्हें समझाने की कोशिश की है कि आप लोग ऐसे काम ना करें जिससे आपको व आपके परिवार को भी दिक्कत हो सकती है। चूँकि हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें भेजते हैं कोचिंग करने के लिए, पढ़ने के लिए, एक सुंदर भविष्य बनाने के लिए, और अगर हमारे से ऐसी कोई गलती होती है, किसी प्रकार की कोई हो जाती है, हमारे खिलाफ़ कोई मुकदमा लग जाएगा तो हमारा सारा कैरियर छोटा हो जाता है। और जो माँ बाप हमारे मेहनत करके हमें यहाँ तक भेज रहे हैं, पैसा इकट्ठा करके हमारी फीसें जमा करते हैं, और हमारे खिलाफ़ अगर कोई मुकदमा पंजीकृत होगा तो उनका तो बच्चे का तो कैरियर समाप्त होता ही, उससे पहले माँ बाप को बहुत बड़ा ठेस होता है और उनके सपने सारे चकनाचूर हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए, सब जाने के लिए आज मेरे द्वारा इनको ब्रीफ किया गया, समझाया गया, और मुझे निश्चित इस पर पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर इन चीज़ों में कमियाँ आएंगी। भाई आप ही लोगों की देख रहे, किसी ना किसी की सिस्टर है इस ट्रेन पे जो यात्रा कर रही है, किसी ना किसी की बहन या माँ या सब उसी परिवार आप ही लोगों का इसमें सफर कर रहा है। हम उनके साथ यहाँ पे और ऐसा कर रहे हैं, अगले दूसरे उसमें करेंगे। मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मुझे किसी के खिलाफ कार्रवाई करने में बड़ा कष्ट होगा कि मैं अपनी कलम चलाऊँ, कलम चलने के बाद मैं भी नहीं रोक सकता। हाथरस में मैं रहा हूँ, ऐसा हाथरस सिटी रहा हूँ, कई बच्चों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ी, लिहाजा मुझे परिवार वाले और कई के खिलाफ मुकदमा भी लाई। तो सब क्या हमारे यहाँ सोने दो चार इलाके ऐसे हैं, खासतौर से मैं जानता हूँ कि ये जाट लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोहा लोहे को काटता है, मुझे कलम चलाने में फिर दिक्कत नहीं होगी। इसलिए अपना परिचय इसलिए खासतौर से दे रहा हूँ क्योंकि मेरी बिरादरी सबसे ज्यादा लोहा पाता है, नहीं चाहूंगा कि कोई थोड़ा बात करे और मुझे किसी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े। आप लोग आ रहे हैं, गाड़ी रुकी है, आप आगे से बैठे यात्रियों को तोड़ने चढ़ने के लिए और सबके मान सम्मान का सम्मान रखते हुए आप लोग आए और अपने परिवार की तरफ ध्यान दें, अपने परिवार को ये ना कहीं लज्जित करें कि आपके काम से उन्हें लज्जित करें। जब आते हैं तो माँ बाप बेचारे हमारे सीधे पैरों में।